सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स के हवाले से नहीं है, बल्कि फाइवर के हवाले से है। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं कम वक्त में। कोई स्किल है आपके पास या नहीं है, फिर भी अर्न कर सकते हैं। स्किल्स नहीं है तो कॉपी पेस्ट वाला काम कर सकते हैं, अगर हैं तो आप उस पर गिग्स बना के जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो गैस, आज जो है आज से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ फाइवर का कोर्स, जिसमें आपको ए टू जी बताऊंगा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, गिग्स कैसे बनाते हैं, गिग्स को रैंक कैसे करते हैं, अच्छे अच्छे जो है टैग्स कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और ऐसी ऐसी जो है गिग्स के कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है, यानी कि सर्विस देने वाले लोग कम हैं और उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज का जो टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो भी इसी तरह ही है, यानी कि उसकी डिमांड ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत कम है। तो अगर आप फाइवर पे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से मैं फाइवर का कोर्स स्टार्ट करने लगा हूँ, ए टू जी बताने लगा हूँ। सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो फाइवर के रिलेटेड अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर गाइस मैं लिखने लगा हूँ चैट स्पोर्ट, ये मैंने सर्च कर दिया। अब ये देख लें, इसका मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख लें 675 जो है इसकी सर्विसेज अवेलेबल हैं, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड बता रहे हैं कि इतनी सर्विसेज हैं इस कीवर्ड पे। अब ये नीचे देख लें, टाइटल कुछ इस तरह से, आई विल प्रोवाइड ईमेल लाइव चैट एंड फोन सपोर्ट टू योर कस्टमर, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर चैट एंड ई मेल्स एंड कॉल्स, आई विल प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट या कॉल चैट एंड ई मेल। यानी कि आपको जो है सर्विस, ये स्किल आपको चाहिए कि आपने एक मैनेजर बनना है किसी के फेसबुक प्रोफाइल का, पेज का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, या कोई वेबसाइट हो सकती है। एजेंट के तौर पे, मैनेजर के तौर पे आपने काम करना है और डील करना है जब कोई कस्टमर आएगा। तो इसके लिए आपको जो है ना इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है जो ज़्यादा यूज़ होती है, तो इंग्लिश यानी कि आपको आनी चाहिए। तो अब मैं इन प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ, ये 3 है, ये इसके 114 हैं, ये 8, और ये इसको 22 मिले हुए हैं, ये 29, यानी कि ये इन्होंने कम्प्लीट कर लिए हैं। ये देख लें 68, 23। अब ये ऊपर नीचे, अब ये प्रोफाइल जो है ना, ये वाली 3, ये फर्स्ट पे आ रही है, लेकिन ऑर्डर इसने सिर्फ 3 कंप्लीट किए हुए हैं। ये ऐसा है सीन के जो गिग्स हैं ना, ये रैंक करती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो फर्स्ट पेज पे गिग को ले आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फर्स्ट पेज पे ले आना। जब कोई क्लाइंट सर्च करता है ना अपना, जो भी उसने लेना होता है, जो भी सर्विस उसने लेनी होती है, तो जो फर्स्ट पेज पे होते हैं ना लोग, उन्हीं से वो लेते हैं। उनको कोई भी पसंद आ सकता है, हो सकता है ये फर्स्ट लाइन पे कोई उनको अच्छा लग जाए उसको मैसेज कर दें, या हो सकता है सेकंड या थर्ड, इस तरह। यानी कि फर्स्ट पेज पे भी जो शो रहे होते हैं ना, उन्हीं से उन्होंने लेनी होती है सर्विस, जो भी काम करवाना होता है, सही है। अब ये 3 जो है मैं दोबारा से ओपन करता हूँ ताकि कोई रिपीट ना हो जाए। अब मैं आपको जो बताता हूँ कि आपने टैग्स किस तरह से निकालने होते हैं, टॉप टैग्स किस तरह आपने अपनी गिग में यूज़ करने हैं, वो आपको मैं तरीका बताता हूँ। ये टॉप 5 जो है ना प्रोफाइल, वो ओपन कर लेते हैं। अब इन प्रोफाइल के जो है ना टैग्स वाली जगह पे ये टैग्स आपके शो करते हैं। अब काम क्या करना है कि ये 25 टैग्स होंगे ना 5 प्रोफाइल के, ये 25 टैग्स कॉपी करके हमने रखने हैं एमएस वर्ड में, सही है। ये कंट्रोल सी मैंने किया, ये एमएस वर्ड ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से जो है ब्लैंक पेज ओपन कर ले। ये मैंने पेस्ट कर दिए। अब ये दूसरी प्रोफाइल के जो है ये सारे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाते हैं, पेस्ट कर दिए, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, पेस्ट कर दिए, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, पेस्ट कर दिए,
और ये कंट्रोल सी से कॉपी हो गए और ये पेस्ट कर दिया। अब ये 25 जो है यहाँ पे कीवर्ड आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से 5 मोस्ट कॉमन हमने निकालने हैं, सही है। वो आप किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये पहला कीवर्ड, इसको आपने कर लेना सेलेक्ट। और ये राइट साइड में ये देख लें, ये फाइंड लिखा हुआ है, ये इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल और एफ जो है ना वो दोनों आप प्रेस करें, दोनों प्रेस करेंगे तो ये देख लें इधर बता रहे हैं, मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लें बता रहे हैं कि ये कीवर्ड जो है 3 दफ़ा इस लिस्ट में मौजूद है। इस तरह आपने जो है, अब ये जो कीवर्ड ईमेल सपोर्ट है, ये वाले आपने दो डिलीट कर देने हैं, ईमेल सपोर्ट ये वाला भी। अब जो पहला था ना उसके आगे आपने लिख देना कि 3, यानी कि ये 3 दफ़ा आया। अब इसको चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एफ प्रेस कर लेते हैं, अब ये कितनी दफ़ा, 5 दफ़ा आया। मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें 5 दफ़ा आया। बैक किया तो ये कस्टमर सर्विस, जो भी ये आ रहे हैं ना कस्टमर सर्विस, इनको आप कर दें डिलीट, ताकि ये बाद में जब हम चेक कर रहे होंगे तो रिपीट ना हो जाए, टाइम ज़ाया ना हो। तो इसके आगे जो है हम 5 लिख देते हैं, यानी कि ये 5 दफ़ा आया। इसको चेक करते हैं, ये कितनी दफ़ा आया, ये 2 दफ़ा आया, ये 2 मैंने लिख दिया। ये लाइव चैट चेक कर लेते हैं, ये कितनी दफ़ा आया, लाइव चैट 3 दफ़ा आया, ये तीसरा ये खड़ा है ऊपर, ये लाइव चैट ये है। और इसके आगे हम लिख देते हैं 3। कस्टमर सपोर्ट को चेक कर लेते हैं, अब ये 4 दफ़ा आ चुका है कस्टमर सपोर्ट, इसके आगे हम लिख देते हैं 4। और ये मेरे ख्याल में जो सभी हैं ना, ये सिंगल सिंगल टाइम आ रहे हैं। अब ये देख लें, ये 5 टैग्स हमको मिल गए। अब ये 5 दफ़ा आया है, ये 4 दफ़ा, ये 3 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। हो सकता है आपको जो दो दफ़ा आए वो आपको 2-3 और मिल जाए, तो आपने वो फिर सेलेक्ट करने हैं जो आपकी जो गिग है ना, जो कीवर्ड होगा या टाइटल होगा उसके जो ज़्यादा सिमिलर हो, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की समझ आ गई होगी। इस तरह आपने टॉप की जो है ना टैग्स आपने निकालने हैं। ये तरीका बहुत कम लोग बताएंगे यूट्यूब पे। तो इस तरह गाइस जो है ना, अच्छी अच्छी वीडियोस में आपको फाइवर के रिलेटेड दिखाता रहूँगा अपलोड करके। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं न्यू एक कीवर्ड लेके आऊंगा, जिसका कंपटीशन और भी हो सकता है, इससे भी लो, और इसी तरह यानी कि डिमांड उसकी ज़्यादा हो। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।